सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेके आ रहे हैं एक वो गांव जिसने मुर्रा को पहचान दिलाई पूरे इंडिया में, सिंगवा खास गांव से ये वीडियो लेके आ रहे हैं नवीन भाई के यहाँ से। पहले भी एक वीडियो बनाई होगी शायद पहले भी, और भाई सेल परचेज का काम करते हैं, पशुओं का बिक्री का काम आज से नहीं काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और जितने भी भैंस लेने वाले हैं इस एरिए में लगभग सभी भाई नवीन भाई को जानते हैं, और बाहर से भी पंजाब से भी बहुत सारे भाई नवीन भाई के पास पशु लेने के लिए आते हैं। बताना चाहूँगा वीडियो बना रहे हैं सिंगवा गांव से जो कि हिसार ज़िले में है, सिंगवा खास जो कि मैं कहूँगा मुंडाल चौक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर और महम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई साहब से बात करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे, पशुओं का बिक्री का काम है भाई का, एक झोटी घर के लिए भी रखी है उसके बारे में भी पूछेंगे। नवीन भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो नवीन भाई साहब तीन भैंसे हैं ये बिक्री वाली अपनी? तीन है भाई साहब। तीन है तो कहाँ से, इधर से एक नंबर से शुरू करते हैं, ब्याई हुई झोटी है? ब्याई है भाई साहब, कल बच्चा दिया इसने। कल बच्चा दिया, कितना दूध निकाल देगी नवीन भाई? भाई साहब तीसरी बार बच्चा दिया है, जिसके यहाँ से खरीद के लिया यहाँ, वो दूसरे ब्यात में 15-16 लीटर बोल रहा था। अच्छा, बाकी आप अब की बार मानो 15-16 लीटर आराम से निकाल दी। तीसरे ब्यात में 15-16 किलो दूध दे देगी खोल के चलाना। इसकी कीमत क्या रखी है भाई? इसकी कीमत है भाई साहब 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कीमत रखी है तीसरे ब्यात की झोटी, 15 किलो दूध 16 किलो दूध निकाल देगी, कल का बच्चा दिया हुआ। देखिए कटड़ी है भाई साहब, साथ में कटड़ी है बहुत ही सुंदर, अभी खड़ा भी सही तरीके से होना नहीं सीखा है कटड़ी ने, और झोटी देखिए बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा ऊंची नहीं है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बढ़िया जोशीले अडर की, साफ़ सुथरे थनों की ले आओ भाई, बहुत ही सुंदर ये देखिए। और नवीन भाई के पास बहुत ही रीजनेबल रेटों की भैंसें रूटीन में मिलती हैं, जब भी आप दो तीन पशु डेली बेचते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है कि कोई महीने में एक दो पशु बेचने का काम हो। हम भाई को काफ़ी सालों से जानते हैं और अपने फार्म पर भी नवीन भाई के यहाँ से काफ़ी पशु जाते हैं, तो बताना चाहूँगा ये देखिए बहुत ही बढ़िया छोटे सींग की है, साफ़ सुथरी झोटी है, थनों का साइज अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इससे आगे ये भाई साहब गैबिन है? ये गैप बना भाई साहब दूसरे ब्यात में है, 6 दांत अभी। अच्छा, दूसरी बार बच्चा देगी ये? दूसरी बार देगी भाई, 6 दांत। कितना दूध बताया पहले ब्यात का भाई? ब्यात में भाई साहब 15 लीटर दूध दिया इसने। 15 लीटर। कौन सी कितने एक दिन बाकी है भाई? इसके 6 दिन बाकी है भाई साहब। खोल के चलाना इसको भी, इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी कीमत है भाई साहब 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए। देखिए ये भी काफी चौड़ी झोटी है, प्योर मुर्रा नस्ल की, 1,20,000 रुपए। पहले ब्यात में दूध भाई साहब ने हमें बताया कि 15 किलो दूध दिया है, और दूसरी बार ये जो है बच्चा देने वाली है, बहुत ही बढ़िया ये देखिए ले आओ। और रूटीन में बढ़िया पशु भाई साहब के पास मिलते हैं, साफ़ सुथरे, बहुत सारे भाइयों की डिमांड रहती है 60-70 हज़ार वाली भैंसों की, तो 60-70 हज़ार वाली भी बहुत सारी भैंसे भाई साहब निकालते हैं, जो डेयरी पर दूध बेचने का काम करते हैं, कम रेट का पशु लेना चाहते हैं वो भी भाई के पास संपर्क कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में रेगुलर चल रहे हैं। इससे आगे एक बहुत ही खूबसूरत ब्याई हुई झोटी, ये वाली भाई दूसरी बार की है? दूसरी बार की भाई, ये भी 6 दांत है, अभी छह दांत पूरे कर रही है। ठीक है, ये कितना दूध दे रही है? इसमें भी 14 लीटर तैयार है भाई साहब। 14 लीटर। इसकी क्या कीमत रखी है? 10 दिन की ब्याई है, नीचे कटड़ी है भाई साहब। इसकी क्या कीमत रखी है भाई? इसकी 1,35,000 रुपए। 1,35। इसको भी ले आओ खोल के। 1,35,000 रुपये कीमत रखी है, 14 किलो दूध, दूसरे ब्यात की, 6 दांत झोटी, साथ में खूबसूरत कटड़ी है देखिए इधर खड़ी है, और ये देखिए झोटी बढ़िया लंबाई ऊंचाई की, जोशीले अडर की बहुत ही खूबसूरत झोटी है, और कीमत भाई ने हमें बताया 1,35,000 रुपये। शौकीन झोटी है, खूबसूरत झोटी है, ले आओ भाई। और कीमत दूध के हिसाब से, पशु की क्वालिटी के हिसाब से ही होता है, बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि लीटर के हिसाब से बताइए, लीटर के हिसाब से पशु का दूध कभी नहीं होता। कई बार 3 थनों वाली भैंस जो 16 किलो दूध देती हो वो 70,000 रुपये की मिल जाती है, लेकिन कोई पहले ब्यात की 16 किलो दूध की झोटी जो है वो 1,50,000 रुपये में भी नहीं मिलती। ये देखिए नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत झोटी, चारों थन काफ़ी दूरी पर और साफ़ सुथरे अड्डर की, साफ़ सुथरा काम करते हैं भाई साहब, कोई भी झूठ बोलने का, धोखाधड़ी का 1% भी आप
आंख बंद करके भाई पे विश्वास कर सकते हैं। ये वाली भाई घर वाली जोटी है, ये अपने घर की जोटी है भाई साहब। तो इसका कितना कितना दूध रिकॉर्ड हुआ है चलडीबी में भाई, ये बताइए। पहले ब्याह में भाई साहब 15.5 लीटर, हाँ हाँ, 2015 में, फिर 2017 में भाई साहब 23 किलो 400 ग्राम रिकॉर्ड हुआ इसका तीसरे ब्याह में 23 400। ठीक है, अभी कौन सी बार बच्चा देगी? पांचवी बार। इसको भी चलाना खोल के 23 किलो 400 ग्राम दूध देने वाली जोटी देखिए, बहुत ही बड़े साइज की है। और इस जोटी का एक कटड़ा शायद मैंने भी लिया था और पंजाब में गया था वो, और अभी भी इसके पीछे कटड़ा है, वो दिखाऊंगा मैं। और आगे ग्याबिन है, उसके बारे में भी पूछेंगे भाई से। हर साल 12 महीने में बच्चा दे देती है। फुल साइज की जोटी है देखिए, एक ही जोटी जो है भाई घर रखते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, ले आओ भाई। आगे कौन से बुल से गया भी ना भाई? लाडला का, लाडला जो लाडो का बेटा है रमेश दानसु, उसका जो है कटड़ा कटड़ी जो भी है इसके पेट में अभी फिलहाल बच्चेदानी में। और अभी का जो पिछले साल का कटड़ा है वो ये देखिए, 12 महीने का है, ज्यादा बड़ा है भाई? 11 महीने का भाई साहब, 11 महीने का। ठीक है, 11 महीने में इसको अच्छा दे देती है। इसका बाप कौन है? इसका मेरे गांव का जो गिन्नी भैंस का कटड़ा वो इसका पिताजी है भाई साहब। गिन्नी जो भैंस जिसने CIRB में भी रिकॉर्ड किया, और शायद वो जो पंजाब का मेला होता है नेशनल लाइफ स्टॉक कॉम्पिटिशन, उसमें भी काफी दूध दिया है। 27-28 लीटर में चैंपियन है भाई साहब। हाँ हाँ, 27-28 किलो दूध वाली भैंस के कटड़े का कटड़ा। और माँ आप सामने देख पा रहे हैं जो कि 23 किलो 400 ग्राम दूध तीसरे ब्यात में HLDB की रिकॉर्डिंग में दूध रिकॉर्ड इस भैंस ने करवाया है। सारे डॉक्यूमेंट्स टैग वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो कटड़ा ये बेचना है क्या, घर रखना है? कटड़ा भी सेल करना है भाई साहब। इसकी क्या कीमत रखी है भाई? इसका भाई साहब देने का रेट है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, ठीक है। बहुत सारे भाइयों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि अच्छी ब्लड लाइन का कटड़ा हमें चाहिए, तो मात्र 40,000 रुपये में आप 27-28 किलो दूध देने वाले भैंस के बेटे का कटड़ा, और माँ जिसकी 23 किलो 400 ग्राम दूध रियलिटी का, ये नहीं है कि कोई बोलने का है, कोई भी भाई देख सकता है। भैंस अभी बच्चा भी दे देगी, और शायद कितने दिन बताए भैंस के बाकी? भैंस के भाई साहब 5-6 दिन बाकी, 5-6 दिन बाकी है। भैंस बच्चा भी दे देगी तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आप आके भैंस का दूध भी देख सकते हैं। तो नवीन भाई कॉन्टैक्ट नंबर क्या देना चाहेंगे? 95-182-97-77-002-002। तो ये देखिए, 3 भैंसे बिक्री वाली, एक घर पे जो जोटी भाई ने रखी है वो, और एक कटड़ा जो कि बिकाऊ है जिसका रेट भाई ने बताया मात्र 40,000 रुपये। जो पशुपालक भाई भैंस लेने के इच्छुक हैं और हमारे एरिए में आए हैं, मुंडाल चौक कह लो, महम कह लो, इसार कह लो, भिवानी कह लो, जींद कह लो, जींद से भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है गाँव, आप संपर्क कर सकते हैं। नवीन भाई के कॉन्टैक्ट नंबर जो है नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं। जो पशुपालक भाई भैंस लेना चाहते हैं, रूटीन में रेगुलर भाई साहब के पास भैंसें मिलती हैं, साफ़ सुथरे पशु रखने के शौकीन हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, जितना दूध भी बताते हैं उतना ही दूध मिलता है। सारी बातों मैं कहूँगा, देखे हुए परखे हुए भाई हैं, लगातार हमारे फार्म पे भाई के यहाँ से पशु जाते हैं। तो ठीक है भाइयों, जो भी भाई वीडियो देख रहे थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।